हम देखते हैं कि हमारे देश में किसी न किसी कारण से अधिकारों पर ही केंद्रित रही सारी बातें, हर कोई अधिकारों से जुड़ता रहा, अधिकारों की चिंता करता रहा। ये एक ऐसा अवसर है कि हम देश को पैराडाइम शिफ्ट करके अधिकार से कर्तव्यों की तरफ ले चले और जनप्रतिनिधि का भी ये काम है जन चेतना जगाना। जनप्रतिनिधि का काम है कि ऐसे समय नेतृत्व करना। और ये विषय ऐसा नहीं जो मैं कह रहा हूं, हम में से हर किसी ने सुना भी है कि कर्तव्य की क्या ताकत होती है। महात्मा गांधी कहा करते थे, एवरी राइट कैरीज विथ इट ए कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी। लोहिया जी कहते थे, कर्तव्य निभाते समय नफा नुकसान नहीं देखा जाता। और मैं एक कोट जरा विस्तार से बताना चाहता हूं, हो सकता है इसके कारण भी सब लोगों के इस रास्ते पर आने के लिए अच्छा रहेगा। बहुत पुरानी बात है, जो कोट है, दुनिया को भारत की एक बड़ी सीख ये है कि यहां सबसे पहले कर्तव्य आते हैं और इन्हीं कर्तव्यों से अधिकार निकलते हैं। आज के आधुनिक भौतिकवादी विश्व में जहां हर तरफ टकराव दिखाई पड़ते हैं, वहां हर कोई अपने अधिकारों और सुविधा की बात करता है, शायद ही कोई कर्तव्यों की बात करता हो। यही टकराव की वजह है, ये वास्तविकता है कि अधिकारों और सुविधाओं के लिए ही हम लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन ऐसा करने में हम अगर कर्तव्यों को भूल जाएं, तो ये अधिकार और सुविधाएं भी हमारे पास नहीं रह पाएगी। मैं समझता हूं ये साफ साफ दर्शन है। हम लोगों का दायित्व बनता है कि जिस महापुरुष ने ये बात कही है, उसके बाद उसको भुला दिया गया, उस महापुरुष का पुण्य स्मरण करते हुए हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं क्या? और वो महापुरुष थे जिन्होंने कहा था 14 जुलाई 1951, जब चुनाव से पहले कांग्रेस का पहला मैनिफेस्टो घोषित हो रहा था, उस घोषणा के समय ये पैराग्राफ पंडित नेहरू जी ने बोला था। मैं समझता हूं पंडित नेहरू जी ने जो सपना 1951 में देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए, देश को कर्तव्य के राह पे ले जाने के लिए पंडित जी की उसी इच्छा को समझ करके हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? हम सब मिलकर के तय करें और हम आगे चलने का प्रयास करें।